हाँ, तो जैसा कि अब हम बातचीत करते हैं, मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप योग के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी देश? अच्छा, सभी से बात कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ, योगेश जी कहाँ गए? आइए ना जी, आज आराम से। आज दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर योगेश सिंह जी के अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज बहुत ही सुंदर योग का कार्यक्रम किया। और वैसे भी आप सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरा कर चुका है। थोड़े समय पहले इसी हॉल में प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था और आज जिस स्तर पे दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जो हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत ही स्थित है, इस नाते मैं भी यहाँ पे उपस्थित हुआ। योग की बारीकियाँ, योग के फायदे और योग के साथ साथ हम स्वस्थ रहने के और क्या क्या साधन अपना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज दो योग गुरुओं ने, सुरक्षित गोस्वामी और वरुण जी ने प्रकाश डाले। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने बड़े और बड़े अच्छे स्तर पे योग का, अंतर्राष्ट्रीय योग का कार्यक्रम करने के लिए। जब पूरे दुनिया के 172 देश इसको कर रहे हैं, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। योगेश जी कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से आज का दिन बहुत खास है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज का दिन 21 जून जो है वो क्यों रखा गया है योग दिवस के लिए, क्योंकि गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो इसको माना जाता है, ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। दीपेश हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग जगह से तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए आज का दिन बहुत खास है और इसीलिए, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर इसका महत्व इसलिए है क्योंकि आज सूर्य जो है दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं और ऐसे में आध्यात्मिक तौर से योग के लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 21 जून की तारीख रखी गई है क्योंकि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात आज के दिन होती है। दीपेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से कितनी देर में निकलेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी जानकारी जो मिल रही थी, थोड़ी देर में राजभवन से निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपेश, बिल्कुल, जस्ट थोड़ा और वक्त बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजभवन से निकलकर और SKICC पहुंचने वाले हैं। राजभवन और SKICC के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में ये सफ़र जो है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल लेक के किनारे जो है वो योग करते हुए नज़र आने वाले हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि योगा को लेकर आकर कितना उत्साह वे यहाँ पर देख रखेंगे, क्योंकि बाहर से पहुँचे हुए हैं और पर्यटक जो है वो श्रीनगर में सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। सर कहां से आए हैं आप? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। अच्छा, कश्मीर कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए। कश्मीर तो हेवन ऑन द अर्थ। सर ये कहते हैं कि थोड़ा डर है यहां, कोई डर लगा आपको? बिल्कुल नहीं, आने से पहले डर था बट यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब योग को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए और यहां से पूरी दुनिया को योग का मैसेज देने वाले हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर इसमें ऐसा है, देखो मोदी जी के कारण हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल, दीपेश आपके पास वापस लौटेंगे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, डल झील के किनारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग, ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ जो दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों और अन्य लोगों के साथ योगा किया था और इस बार का बेहद खास है, दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे हैं और वहां पर वहां से एक संदेश भी देने वाले हैं जिस पर सबकी निगाहें इस बार टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला कश्मीर दौरा है, जब उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। इस दौरान पीएम ने श्रीनगर में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में शिरकत भी की, जम्मू कश्मीर को करीब 3300 करोड़ रुपए का तोहफा दिया और इसी के साथ आज का दिन
जब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर वासियों के साथ मना रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें आपको श्रीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं, बहुत खास है क्योंकि देखिए योग का एक अलग महत्व है और हर बार मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते भी आए हैं। एक स्वस्थ समाज जो है वो बहुत जरूरी है मजबूत देश के लिए, और इसीलिए उसी तरीके से हमारा देश जो है वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास, क्योंकि देखिए मन और शरीर के बीच एकात्म स्थापित करने की भारतीयों की जो पुरातन विद्या योग जो है वो विश्व पटल पर आधिकारिक रूप से छा चुकी है और ये उसका 10वां साल है। आज दुनिया भर में 10वां योग विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है, पूरा विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम भी आज इस बार बेहद खास है,